बढ़ती जाएगी, आपकी अगली पीढ़ी आपके सामने खत्म हो जाएगी। साथियों, रोजगार के बारे में कहना, बहुत सारी लंबी किताब है जो ये 7 साल में मोदी सरकार ने हमारे को दी है, जिसको पढ़ पढ़ के घर घर जा जा के यदि प्रदेश में गांव में गलियों में बताएंगे तो साथियों जरूर जनता समझ जाएगी। आपने ट्रैक्टर की रैली तो देखी होगी, लेकिन जरा साइकिल की रैली भी देख लीजिए। जी हाँ, खंडवा जिले के मोदी में साइकिल से रैली निकाली गई। मोदी सरकार के राज में पेट्रोल और डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं, इसी को लेकर अब साइकिल रैली निकाली जा रही है, जहां सरकार को जगाने की कवायद की जा रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि जब कांग्रेस के राज में 50 पैसे पेट्रोल का दाम बढ़ता था, तब बीजेपी सरकार 50 पैसे को लेकर बखेड़ा खड़ा कर देती थी, लेकिन अब जब मोदी सरकार ने 95 रुपए लीटर और डीजल 83 रुपए हो गया, तो शिवराज सरकार क्या कर रही है? पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में आज युवक कांग्रेस मोदी नगर कांग्रेस द्वारा माता चौक से लाल बहादुर शास्त्री बस स्टैंड तक साइकिल रैली निकाली गई। वह महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर मोदी नगर कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश मालवीय, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रियस चोकड़े, नेहरू पटेल, अनिल राठौर, राजीव कानूगो, राहुल चौहान, शीतल राठौर, मानदाता विधानसभा कांग्रेस आईटी सेल अध्यक्ष रोहित मंडलोई, सोनू खान व समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। न्यूज इंडिया 9 से रजाक खान की रिपोर्ट।